भाई बहुत हालत खराब हो रखा है यार। एक ही जगह जाने के लिए भाई एक साथ दो तीन ट्रेन आ जाते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन होता है कहाँ जाएं किस में जाएं। ये रहा हमारा सीट। बहुत पापड़ बेलना पड़ा है भाई, बहुत पापड़ बेलना पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा था। एक टाइम पे एक जगह जाने के लिए बहुत सारे ट्रेन हैं, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे भी खड़ी थी जो सेम रूट है, सेम जगह जाएगी लेकिन ट्रेन बस अलग थी। भाई कन्फ्यूज़न बहुत तगड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है, वहाँ जाके बस पता किए हैं कि उसका ट्रेन नंबर कौन सा था, तब समझ में आया। वापस एक पे भटके आए हैं, उसके बाद इसमें बैठ गए भाई। सही है, चलते अंदर भाई, बहुत थक गए। A few moments later. अभी हो रहे हैं 6 और एग्जैक्ट 6 बजे ट्रेन खुल चुकी है, और 9:30 बजे डिनर हो जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं जो भी होगा मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और भूख बहुत ज़ोर से लग गया, बहुत ज़ोर से। तो बिरयानी जो पैक करवाए थे भैया हमारे पास है, और अभी खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली सुबह उठते हुए और रात बहुत अच्छी गई, एक्चुअली क्या ही अच्छी जाएगी, ट्रेन में कच्ची नींद होती है भाई, ज़रा सा इधर उधर हुआ बस नींद टूटती है। तो सही है यार, ठीक ठाक नींद पूरी हुई, और अब आप आगे देखो। भाई साहब सुबह हो चुकी है, फ्रेश व्रेश हो चुके हैं, अभी 10 बज रहे हैं, और बहुत तगड़ी भूख लगी थी, और अभी जस्ट ये सारे स्नैक्स लेके आए, और अभी हमें स्टेशन छपड़ा जंक्शन पे, भाई साहब छपड़ा में अभी हम, और हमारी नानी जी का घर है लेकिन जा नहीं सकते, अभी 5 से 10 मिनट में ट्रेन खुल जाएगी और घर बहुत दूर है। सही रहा भाई, रात में मस्त चादर तकिया वकिया सब मिला हुआ था, सही गया, स्लीपर से सीधा एसी में ट्रांसफ़र हुआ, सही है। अभी चलते हैं अंदर कुछ खाते पीते, भाई बहुत तगड़ा भूख लगा हुआ है। अभी हम लोग हैं सोनपुर, छपड़ा से हम लोग निकल चुके हैं, और सोनपुर में भी गाड़ी है, अभी और 1.5 घंटा लगेगा। ये भाई चल रहा है, हैरी पॉटर का सीरीज़ वगैरह डाउनलोड हो चुका है, वही जब मस्त अपना देख रहे हैं, सही है, मज़ा आ रहा है। बाकी भाई स्लीपर में रहते या जनरल में रहते तो इतना शांति नहीं होता, बहुत शांति है, कोई है नहीं आसपास, बस उस साइड कोई है। एवेंजर्स है यार, मूल नाम का बालक मिल गया। कहाँ से हो आप? आप कहाँ से हो? कहाँ से? चलिए छोड़िए, समझी नहीं आया होगा। और इनको नेपाली भी आता है, छोटा सा बच्चा है, इंग्लिश हिंदी नेपाली तीनों आता है, और क्या आता है, और कुछ नहीं है। एवेंजर का बहुत बड़ा फैन है हमारी तरफ। बढ़िया है। अरे नेपाली में कुछ बोलो। अरे नेपाली में कुछ बोलो। अरे आधा घंटा 45 मिनट और भाई, उसके बाद इनको जाना है कटिहार, ये जहाँ से ट्रेन बन के खुलती है वहाँ से मतलब चढ़े थे, और सबसे जहाँ ट्रेन लास्ट कर रही है वहाँ उतरेंगे। इतना सबर ला के कहाँ से रेडी। अब 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर, फिर मुजफ्फरपुर से बस लेना है, बस ले उसके बाद फिर जाना है दरभंगा या लहरिया सराय। सही है,
पाँच से छः मिनट और बात उसके बाद बस विच आई डोंट लाइक। तू आ गया फिर से आ गया, कहाँ जा रहा है? मैं भी चली हूँ। एक चीज़ का हमको परेशानी है, बस का भाई, सिर्फ एक चीज़ का। उसके बारे में सोच के मेरा अजीब मन अजीब हो जाता। चलो बाय। यहाँ का सर्विस है बहुत सही था। मतलब रात में पिलो चादर वगैरह सब था, फिर बेडशीट टाइप का भी था बिछा के सोने के लिए। उसके बाद अभी फीडबैक के लिए भी आए थे, खाने पीने के लिए भी हमेशा पूछते रहते थे। हाँ, पेमेंट देके खाना पड़ेगा, यहाँ खुद से नहीं मिलता, फ्री वाला सर्विस नहीं है, राजधानी नहीं है इसीलिए। और बहुत सही था भाई, पहले मेरे को लग रहा था क्या झंझट है यार, तू बार बार आ जा रहा। फिर आना, फिर बोलना बाय। भाई साहब फाइनली मुजफ्फरपुर। चलो भाई चलते हैं फटाफट, भूख भी लग गया बहुत तगड़ा करके, मिलते हैं फिर। भाई इतना सारा ऐड, स्टेशन है या यूट्यूब है? ओ भाई साहब सामान अपना यहाँ, मुजफ्फरपुर स्टेशन के बाहर है, और कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, पूरा एकदम टूर ट्रैवल के लिए यहाँ पे, पूरा हर जगह जाने के लिए यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगा। फोर व्हीलर आप बुक कर सकते हैं, आप यहाँ से ऑटो भी रिजर्व कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, ये सब ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे रूट खुलते हैं, तो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हो। सही है, अभी फिल होगा ये वाला ऑटो, उसके बाद चलेंगे, अभी देखते कितना देर और लगेगा। चलते हैं भाई, मिलते हैं स्टेशन पे, बस स्टैंड पे। उतर गए हैं बढ़िया बस स्टैंड, अब देखते हैं कहाँ जाना है। ओ भाई साहब, बहुत साफ है बस, बहुत साफ है। ये यहाँ का दिल्ली मोड़, यहाँ दिल्ली सीधा दिल्ली का रास्ता है, और इधर मधुबनी वगैरह जाता है रास्ता इस साइड से, और इस साइड से नेपाल भी इधर भी निकल जाएगा लोग। भाई यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ऑटो, ट्रेन, फिर ऑटो, फिर बस, फिर ये ऑटो, अभी तो बस कब जाना है, कब तक पहुँचेंगे भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अभी थे NH 57 पे, पापा हमारे यहीं आने वाले थे लेकिन पता नहीं आए नहीं, अब हमको और थोड़ा जाना पड़ेगा ऑटो में बैठ के, 4 बज गया। तो भैया ऐसा है कि आई कैन ब्लॉग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इन फ्रंट ऑफ माई फादर हवा टाइट हो जाती है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे पापा आ गए थे लेने के लिए हमें, और अभी हम जा रहे हैं अपने घर,
फिलहाल तो वापस हॉस्टल भी आ चुके हैं। कुछ बहुत जरूरी काम के कारण व्लॉग डिले हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, और आशा करते हैं कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।